जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में जो अपने को एग्जाम की रिक्वायरमेंट है, एग्जाम को क्या चाहिए अपने से, उसके लिए अपन कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं वो अपन देखने वाले हैं, ठीक है। सो हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल एट एन अकेडमी एंड इन दिस इज अवर फर्स्ट क्लास फॉर इंट्रोडक्शन टू कोर्स फॉर अवर सब्जेक्ट मशीन लर्निंग, ठीक है। तो अपन इस सब्जेक्ट के बारे में पढ़ें, इसके बारे में इस सेशन में अपन क्या करेंगे, उससे पहले मैं मेरे बारे में थोड़ा तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ, तो पहले वो देखते हैं। सो दिस इज अबाउट मी, माई नेम इज़ मनोज एंड आई हैव अचीव्ड ऑल इंडिया रैंक 13 इन गेट। आई हैव डन माई मास्टर्स इन डेटा साइंस एंड आई हैव एक्सपर्टाइज इन दीज सब्जेक्ट्स, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, AI, प्रोबेबिलिटी एंड स्टेटिस्टिक्स। ये टेलीग्राम चैनल है और ये अनअकैडमी की प्रोफाइल का लिंक है, ठीक है। तो ये जो सेशन है अपन शुरू करते हैं। सेशन मोस्टली या जो सेशन का जो थीम है वो ये नहीं है कि अपन कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं और सिलेबस देखेंगे, कोर्स में क्या पढ़ेंगे वो देखेंगे, ऑब्वियसली वो चीज़ें देखेंगे, बट एक बिगिनर को, और बिगिनर नहीं भी है जिसने पहले मशीन लर्निंग पढ़ी है अपने कॉलेज में या कहीं और इंस्टीट्यूट से, उसको इस सब्जेक्ट को कैसे अप्रोच करना चाहिए गेट एग्ज़ाम के लिए, दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो आज का सेशन इसी चीज़ को अपन देखेंगे, ठीक है, कि ये सब्जेक्ट जो है आपको अप्रोच क्या होनी चाहिए इस सब्जेक्ट को पढ़ने की। आप ये कोर्स यहाँ पढ़ रहे हैं नहीं पढ़ रहे हैं दैट डजेंट मैटर, बट इस कोर्स को पढ़ने के लिए अप्रोच क्या होनी चाहिए, मशीन लर्निंग को जब आप गेट के लिए प्रिपेयर करो तो उसकी एक अप्रोच क्या होनी चाहिए, वो अप्रोच अपन डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए जो रिलेवेंट चीज़ें हैं ना वो अपन डिस्कस करेंगे। तो ये बात है, तो क्या बात है, हाउ शुड यू स्टडी मशीन लर्निंग, है ना, मशीन लर्निंग गेट के लिए पढ़नी कैसी है, तो वो अपन जो पीछे के PYQ क्वेश्चंस हैं, जो लास्ट ईयर क्वेश्चंस हैं, उनके थ्रू एनालाइज करेंगे कि एक जो सब्जेक्ट है उसकी रिक्वायरमेंट कितनी है। देखो मशीन लर्निंग सब्जेक्ट है, आप 10 बुक्स पढ़ लो सबका, एक तो मशीन लर्निंग क्या है, एक अप्लाइड स्टेटिस्टिक्स है, मशीन लर्निंग कंप्यूटर साइंस का कोर्स नहीं है, है ना, ये बहुत मिथ है कि मशीन लर्निंग एक कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट है, नहीं, कंप्यूटर साइंस एक अप्लाइड मैथमेटिक्स कोर्स है, या मैं कह सकता हूँ इसको ज़्यादा ट्रू अगर मैं बोलूँ तो अप्लाइड स्टेटिस्टिक्स कोर्स है। अब इस मशीन लर्निंग को अपने को पढ़ना कैसे है, गेट के लिए कैसे प्रिपेयर करना है, क्योंकि अप्लाइड स्टेटिस्टिक्स में तो अलग अलग लोगों ने अलग तरह रिसर्च करी है। स्टेटिस्टिक्स या जो मशीन लर्निंग है अप्लाइड स्टेटिस्टिक्स, इसमें जैसे जैसे लोगों ने अलग अलग फील्ड के लोगों ने रिसर्च करी, बेजियन स्टेटिस्टिक्स बनाई और अलग अलग तरीके दिए गए, ठीक है, कि एक टॉपिक को समझने के लिए, उसमें मैथमेटिशियन भी थे और इंजीनियर भी थे। बट अभी अपने को गेट के लिए पढ़ना है, तो गेट के लिए अपने को कौन सी अप्रोच फॉलो करनी है, कौन सी बुक फॉलो करनी है, कौन सा कंटेंट अपने को देखना है, उस चीज़ को एनालाइज करेंगे। मैं मेरा पर्सनल जो मानना है वो आप पे नहीं थोप रहा हूँ, बट जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में जो अपने को एग्जाम की रिक्वायरमेंट है, एग्जाम को क्या चाहिए अपने से, उसके लिए अपन कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं वो अपन देखने वाले हैं, ठीक है। तो पहले एक बार, वैसे तो आपको पता होगा, एक बार के लिए अपन मशीन लर्निंग का सिलेबस देख लेते हैं, है ना, ऊपर से देखते हैं। तो देखो मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स जो है ना, दो तरह की एल्गोरिदम्स जो जनरली अपने को पढ़ने हैं, वैसे 3-4 तरह की होती हैं, बट दो जो है अपने स्कोप के अंदर है जिनके बारे में अपने को पढ़ना है, तो वो है सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग और दूसरी है अनसुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग। अब इसकी कुछ एल्गोरिदम्स हैं सुपरवाइज्ड की, जैसे सुपरवाइज्ड एल्गोरिदम्स जो है, अगर नहीं पता तो मैं बता देता हूँ, क्लासिफिकेशन और रिग्रेशन में होते हैं, जो कुछ एल्गोरिदम्स हैं वो क्लासिफिकेशन को देखती हैं, कुछ दोनों को देखती हैं और कुछ रिग्रेशन को देखती हैं, और कुछ इसमें डायमेंशनल रिडक्शन की भी टेक्निक्स होती हैं, है ना, ऐसे नहीं पता है, मैं बता रहा हूँ बस, है ना, ध्यान रखो। ऐसे ही अनसुपरवाइज्ड लर्निंग है, बट उसमें एक मोस्टली क्लस्टरिंग है और एक ये डायमेंशनल रिडक्शन की टेक्निक है। अच्छा, बट यहाँ से तो हमें समझ ही नहीं आया कि हमें सब्जेक्ट को अप्रोच कैसे करना है, तो सिलेबस हुआ है कि नहीं बात। अब काम की बात यह आती है कि यार आप हमें ये बताओ कि सब्जेक्ट को अप्रोच कैसे करना है, पढ़ना कैसे चाहिए। तो उसका एक ही तरीका है, तो लास्ट ईयर के क्वेश्चंस है ना, एक बार उनको अपन एनालाइज करते हैं, ठीक है, तुमने मशीन लर्निंग नहीं पढ़ी बट मैं उनको सोल्व करता हूँ, तो तुम्हें एक पता लगेगा कि इसमें कितनी थिंकिंग रिक्वायर्ड है, क्या इस सब्जेक्ट को ऊपर से एक थ्योरेटिकल नॉलेज लेना सफिशियंट है, क्या एक एल्गोरिदम का मैथमेटिकल फाउंडेशन मेरा क्लियर होना चाहिए, कितना मेरा एप्टीट्यूड क्लियर होना चाहिए उस एल्गोरिदम को पढ़ने का, ठीक है। तो मैं कुछ क्वेश्चंस लेता हूँ जो लास्ट ईयर एग्जाम में आए थे, मशीन लर्निंग के एग्जाम में आए थे, ठीक है, वहाँ से अपन देखते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन था, हो सकता है कि आपने सब्जेक्ट कभी ना पढ़ाओ, कोई बात नहीं है, आपने सब्जेक्ट कभी ना पढ़ाओ ऐसा हो सकता है, या कभी पढ़ाओ तो कॉलेज में पढ़ाओ, ज़्यादा आइडिया नहीं है, बट मैं ऐसे मान के चल रहा हूँ कि आपने सब्जेक्ट नहीं पढ़ा, तो मैं सोल्व कर रहा हूँ, उससे तुम्हें एक आइडिया लगेगा और मैं तुम्हें बताऊँगा कि इस सब्जेक्ट को, इस ये जो टॉपिक का क्वेश्चन है, उस टॉपिक को आपको कैसे प्रिपेयर करना चाहिए था। तो पहले मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ, ठीक है।
देखो, यूक्लिडियन डिस्टेंस बेस्ड के मीन्स क्लस्टरिंग एल्गोरिदम। अभी आप समझ नहीं आ रहा यार क्या है ना, आपको समझ नहीं आ रहा के मीन्स एल्गोरिदम की बात हो रही है, के मीन्स क्लस्टरिंग कोई एल्गोरिदम होती है उसकी बात हो रही है, ठीक है। यूक्लिडियन डिस्टेंस ये कोई डिस्टेंस है जिसके ऊपर ये के मीन्स क्लस्टरिंग एल्गोरिदम है ना वो बेस है। वॉज रन ऑन ए डेटा सेट ऑफ 100 पॉइंट्स, ठीक है। 100 पॉइंट के डेटा सेट पे इस क्लस्टरिंग के एल्गोरिदम को इन्होंने चलाया है, ठीक है। अभी ध्यान दो है ना, अपने को नहीं पता क्या क्लस्टरिंग के एल्गोरिदम है क्या। विद के इक्वल टू थ्री, के इक्वल टू थ्री मतलब ये नंबर ऑफ क्लस्टर्स ने 3 दिए हैं, ठीक है यार। इफ द पॉइंट्स 1,1 एंड -1,1 है ना, इधर देखो 1,1 एंड -1,1 आर बोथ पार्ट ऑफ क्लस्टर थ्री। इस क्वेश्चन को समझना, टॉपिक्स भले ही तुम्हारा ये जो टॉपिक है भले ही तुम्हारा नहीं पढ़ा हो, बट जब मैं इस क्वेश्चन को अप्रोच करूंगा तब तुम्हें आइडिया लगेगा कि इस टॉपिक को अपने को कैसे अप्रोच करना है, ठीक है। तो ये जो दो पॉइंट है 1,1 एंड -1,1 आर बोथ पार्ट ऑफ क्लस्टर थ्री, देन विच ऑफ द वन ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट इज नेसेसरली ऑल्सो पार्ट ऑफ क्लस्टर थ्री। अब देखो मुझे क्लस्टरिंग आता है, ठीक है, तो मैं इसको कैसे सोल्व करूंगा। देखो जब अपन सेमेस्टर के अंदर, मैं बता रहा हूँ सेमेस्टर के अंदर जब आप मशीन लर्निंग पढ़ते हो, सेमेस्टर में कोई भी ब्रांच में मतलब मशीन लर्निंग हो सकती है, इलेक्ट्रिकल में भी हो सकती है, सीएससी के अंदर भी हो सकती है, डेटा साइंस वाली जो ब्रांचेज हैं उनमें मशीन लर्निंग सब्जेक्ट हो सकता है। तो जनरली या बुक्स के अंदर जब तुम देखोगे, नॉर्मल जो बुक्स होगी या कहीं पे तुम देखोगे वीडियो यूट्यूब का चला गए, तो के मीन्स क्लस्टरिंग के लिए वो क्या है, एक एल्गोरिदम बताते हैं, है ना, क्या होता है पढ़ाते क्या है मैं बता रहा हूँ। एक एल्गोरिदम बताते हैं कि यार एक ये डेटा है, कुछ डेटा देते हैं आपको, ठीक है, कुछ डेटा देते हैं और वो बताते हैं कि ये डेटा है इस मतलब कुछ डेटा पॉइंट देंगे तुम्हारे को, उन डेटा पॉइंट के कोऑर्डिनेट तुम्हें दे देंगे, है ना, कोऑर्डिनेट तुम्हें दे देंगे और बोलेंगे कि इस डेटा पॉइंट को दो क्लस्टर में बांटना है और उन क्लस्टर के सेंटर बताओ। ये फिक्स क्वेश्चन होता है जो एग्जाम में आता है, फिक्स क्वेश्चन जो एग्जाम में आता है कि इस क्लस्टर का आफ्टर इतनी इटरेशन कौन सा सेंटर है, सेंटर क्या है इन क्लस्टर के, सेंटर क्या, फिक्स क्वेश्चन अगर तुमने सेमेस्टर एग्जाम दिया हो ऐसे क्वेश्चन आते हैं और अधिकतर जगह तुम्हें एग्जाम में ऐसा ही क्लस्टरिंग दिखता है और अधिकतर जगह इन्हीं चीजों पे बेस्ड होके क्लस्टरिंग एल्गोरिदम पढ़ाई जाती है। बट अगर तुम्हें सिर्फ ये इस एल्गोरिदम के बारे में ये निकालना पता है तो ये प्रॉब्लम तुम कर नहीं पाओगे, ये क्वेश्चन तुम नहीं कर पाओगे। क्यों नहीं कर पाओगे उसको मैं बताता हूं। तो चलो पहले अपन क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है, दो पॉइंट है अपने पास 1,1 और -1,1 है ना, इसने कितनी चीजें दे रखी हैं बताओ। देखो कितना बेसिक सा क्वेश्चन है वो देखते हैं अपन, है ना। 1,1 यहां एक पॉइंट है, 1,1 और यहां एक पॉइंट है -1,1, ठीक है, क्लियर क्लियर है क्या, एक ही लाइन में शायद, हाँ 1,1 और -1,1। अब ये कह रहा है कि एक किसी को क्लस्टर नंबर 3 है ना, तीन क्लस्टर हैं इसमें, क्लस्टर 1, क्लस्टर 2, क्लस्टर 3 और 100 डेटा पॉइंट है उसके अंदर, उस क्लस्टर 3 का ये पार्ट है तीसरे वाले क्लस्टर का, तो इन तीनों में से कौन सा ऐसा पॉइंट होगा, विच वन, एक सिंगल पॉइंट ऐसा बताओ पक्का ना पक्का उस क्लस्टर का पार्ट होगा। प्रॉब्लम समझ में आई, उस क्लस्टर का पक्का पार्ट होगा, जैसे ये क्लस्टर है ना, ऐसे कोई क्लस्टर है उस क्लस्टर में दो पॉइंट है, तो तुम्हें बताना है कि तीसरा पॉइंट इनमें से कौन सा होगा जो उस क्लस्टर का पक्का पार्ट होगा। अब जब तुमने ये एल्गोरिदम पढ़ी, इनके रूल पढ़ेंगे कैसे इनका सेंटर निकालना है ना, कैसे इनका सेंटर निकालना और कैसे रीच करना है, वो एक फिक्स तुमने एल्गोरिदम पढ़ ली, तरीका पढ़ लिया, तुम्हें क्यों कर रहे हैं ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, ठीक है। सिर्फ जैसे एल्गोरिदम पढ़ाई जाती है, एक क्लस्टरिंग एल्गोरिदम है कि आफ्टर सब फ्यू इटरेशन ये तुम्हारे कोऑर्डिनेट हो गए, इनके जो सेंटर है उनके कोऑर्डिनेट बता दिए, उतनी सी इन्फॉर्मेशन के साथ ये प्रॉब्लम तुम सोल्व नहीं कर सकते। यहाँ तुम्हें एक बेसिक कॉन्सेप्ट, बेसिक बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है कि जब देखो ये क्वेश्चन कहाँ से सोल्व होने वाला था, ये क्वेश्चन यहीं से सोल्व हो जाता कि अगर यूक्लिडियन डिस्टेंस होती है, यूक्लिडियन डिस्टेंस होती है किसी पॉइंट से ये वाली डिस्टेंस है ना, इस पॉइंट की ये डिस्टेंस को यूक्लिडियन डिस्टेंस बोलते हैं, उसके बेस ये क्लस्टरिंग एल्गोरिदम बना रहे हैं, तो अगर कोई सेंटर होता है ना, सेंटर वहां से अगर मैं मूव करूं तो ये मेरी यूक्लिडियन डिस्टेंस है, ठीक है। तो इसका मतलब मान लो यहां तक मेरे पॉइंट है, यहां तक इस डिस्टेंस तक, तो मैं इनको एक सर्कल का पार्ट मान सकता हूं, है कि नहीं, क्योंकि ये सेम यूक्लिडियन डिस्टेंस के पॉइंट है, सर्कल है, तो ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये वाला,
ये सारे सेम डिस्टेंस पे हैं, ठीक है। बस इतना ही लॉजिक लगना था कि जो क्लस्टर बनेगा ना उसकी शेप बनेगी स्फेरिकल। कैसे शेप बनेगी? स्फेरिकल। और वो किससे क्लियर होना था? यूक्लिडियन डिस्टेंस। अभी तुम्हें समझ नहीं आ रहा होगा कि कैसे स्फेरिकल बनेगी, बट मैं कहना क्या चाहता हूँ कि जो शेप है वो स्फेरिकल है। अभी चाहे तुम्हें नहीं पता हो स्फेरिकल कैसे है, तो एक बार मैं पहले प्रॉब्लम सॉल्व करता हूँ, फिर इससे अपन क्या सीख सकते हैं वो निकालता हूँ। तो अगर स्फेरिकल है और पॉइंट अपने को 2D में दे रखे हैं, मतलब यहाँ के लिए शेप हो गई सर्कुलर, तो ये पता है अपने को प्रॉब्लम क्या पूछ रहा है कि ये दोनों पॉइंट किसी सर्कल का पार्ट है, तो बताओ कि इन तीन इन चारों में से कौन सा एक ऐसा पॉइंट होगा जो पक्का इस सर्किल का पार्ट होगा, बताओ यार। प्रॉब्लम समझ में आए? एप्टीट्यूड का प्रॉब्लम हो गया। इस प्रॉब्लम को मैं ऐसे कन्वर्ट कर सकता हूँ कि ये दोनों पॉइंट एक सर्कल का पार्ट है, तो इन चारों में से एक पॉइंट ऐसा बताओ जो इस पक्का इस सर्किल का पार्ट है। क्लियर है क्या? तो एक बात देखो, अगर दो पॉइंट सर्कल का पार्ट है, तो अगर उन दोनों पॉइंट को मैं ज्वाइन कर दूं, उन दोनों पॉइंट को मैं ज्वाइन कर दूं स्ट्रेट लाइन से, तो उस लाइन ज्वाइनिंग पे जितने पॉइंट होंगे ना वो सारे सर्कल का पार्ट होंगे। तुम ऐसा सर्कल ड्रॉ कर ही नहीं सकते अगर दो पॉइंट सर्कल पे हैं, तो उन लाइन उसको जब तुम लाइन ज्वाइन करोगे ना, तो उस सारे वाले पॉइंट कैसा सर्कल बनाओ तुम कहीं भी सेंटर लगे, ये जो लाइन ज्वाइनिंग पॉइंट्स है ना वो भी पक्का उस सर्कल का पार्ट होंगे। अब कुछ नहीं करना था, -1, 1, 1, 1, यहाँ देखो ये पॉइंट देखो 0, 1, 0, 1 कहाँ पे होगा? 0 ये और 1 ये, है ना। 0 मतलब x एक्सिस 0, y में 1, तो ये पॉइंट है अपना 0, 1। ये वाला पॉइंट पक्का सर्कल का पार्ट होगा। पक्का सर्कल का पार्ट मतलब पक्का क्लस्टर का पार्ट होगा। ये इसका आंसर था, सिंपल एप्टीट्यूड। उन्होंने एक बेसिक कॉन्सेप्ट, अगर तुम्हें क्लस्टरिंग का पता है, उसके साथ तुम्हारा मैथमेटिकल एप्टीट्यूड चेक किया है, जरा सा एप्टीट्यूड चेक किया है। समझ रहे हो बात? इतना आसान क्वेश्चन था। तो इसका मतलब क्या समझे अपन कि जब हम एल्गोरिदम पढ़ते हैं तो उस एल्गोरिदम का बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, है ना। सिंपल रूल के पीछे नहीं भागना है। जब तुम एल्गोरिदम पढ़ते हो तो बहुत सारे रूल पढ़ते हो कि ऐसे कर दो ऐसे कर दो, है ना, क्लस्टर के सेंटर निकाल दो और एक अपडेट के बाद फिक्स आंसर बता दो, रटा रटाया रूल। तो सिर्फ तुम्हें रूल पे फोकस नहीं करना है, तुम्हारे बेसिक कॉन्सेप्ट भी क्लियर होने चाहिए। सिर्फ एक स्मॉल बेसिक कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन था, ये देखो वेस्ट हो गया। ये क्या दे रखा था इसने, 100 डेटा पॉइंट्स के इक्वल टू 3, ये सब वेस्ट है, इनका कोई यूज ही नहीं है क्वेश्चन में, कभी यूज ही नहीं आने वाले। समझ में आई बात? क्लियर हुआ? ये चीज़ें यूजलेस हैं, ये जो दे रखी है ना, ये चीज़ें यूजलेस हैं। क्लियर है? तो इसका मतलब एक बात तो पक्का हुआ कि जब तुम मशीन लर्निंग कहीं से पढ़ो, मैंने कह रहा ये कि ये कोर्स तुम्हें पढ़ना है ना, ये मेरा इंटेंशन नहीं है, बट जहाँ से भी तुम मशीन लर्निंग पढ़ो, बुक से पढ़ो, कहीं से पढ़ो, NPTEL से पढ़ो या और कहीं वीडियो देख के पढ़ो, वहाँ तुम्हारे बेसिक कॉन्सेप्ट तुम्हें क्लियर करने में बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, ठीक है। तो जब अगर तुम बुक पढ़ो तो ऐसी चीज़ों पे अपना एक्स्ट्रा अटेंशन दो, बेसिक कॉन्सेप्ट पे, ना, बेसिक बेसिक चीज़ें जो लगती बहुत बेसिक है, बट उन्हीं उसी को उठा के, उस बेसिक सी चीज़ को उठा के ऐसा क्वेश्चन फॉर्मुलेट हो सकता है, ठीक है। देखो लास्ट ईयर जो पेपर आया था वो फर्स्ट टाइम गेट ने इंट्रोड्यूस किया था। फर्स्ट टाइम पेपर गेट जो है बहुत डिफिकल्ट नहीं बना सकता, है ना, उनका उनका भी वो माइंड होता है। तो फर्स्ट टाइम पेपर बहुत ईजी था, इसलिए कट ऑफ भी बहुत ज़्यादा गई थी। बट धीरे धीरे ऐसे ही क्वेश्चंस आएंगे, बट विद लिटिल मैथमेटिकल एप्टीट्यूड तुम्हें और यूज करना पड़ेगा। समझ रहे हो बात? क्वेश्चंस का पैटर्न लगभग ऐसा रहेगा, बट मैथमेटिकल एप्टीट्यूड है तुम्हारा वो चेक होगा, उसको थोड़ा और कॉम्प्लेक्स कर देंगे वो। समझ रहे हो बात? इसका मतलब अपने को क्या सीखे अपन यहाँ से कि मशीन लर्निंग जब अप्रोच कर रहे हैं तो बेसिक कॉन्सेप्ट को ध्यान रखना है यार, बेसिक चीज़ों। अपन ने सिर्फ एक तरीका देख लिया कि ये मशीन लर्निंग की एल्गोरिथम है क्लस्टरिंग और ऐसे काम कर रही है और ऐसे इसमें हर बार सेंटर अपडेट हो रहे हैं, इसके सेंटर के इन्फॉर्मेशन तुमने दे दी। ऐसी बात नहीं कर रहे, ऐसी चीज़ों, सिर्फ ऐसी चीज़ों पर, मैंने कह रहा ऐसे क्वेश्चन नहीं आ सकते, आ सकते हैं, बट सिर्फ ऐसी चीज़ों पर फोकस नहीं करना है, ठीक है। तो पहली चीज़ अपन ने सीख ली कि बेसिक कॉन्सेप्ट जब भी तुम कहीं से पढ़ो, बुक से पढ़ो, तो तुम उसके बेसिक कॉन्सेप्ट पे तुम्हें एल्गोरिथम के ध्यान देना है। अब देखो एक मैं सेकंड क्वेश्चन पे आता हूँ, ठीक है। ये सेकंड प्रॉब्लम है, अब मैं इसको पढ़ता हूँ, ठीक है। ऑब्वियसली तुम्हें नहीं पता होगा अगर तुम बिगिनर होगे क्या बोल रहा है क्वेश्चन के अंदर, बट क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करना है वो मैं तुम्हें बताऊंगा। क्वेश्चन को अप्रोच करने के बाद अपने को पता लगेगा कि जो नेव बेस्ड एल्गोरिथम का क्वेश्चन है, ये जो एल्गोरिथम है इसको कैसे पढ़ना है, ठीक है। तो मैं बताता हूँ, गिवन ए डेटा सेट विद के बाइनरी वैल्यूड एट्रीब्यूट्स हैं फॉर ए टू क्लास क्लासिफिकेशन टास्क,
द नंबर ऑफ पैरामीटर्स टू बी एस्टिमेटेड टू फॉर लर्निंग ए नेव बेस्ड क्लासीफायर। अब देखो ये मैंने क्वेश्चन पढ़ दिया, अब मैं वो बताता हूँ जो जनरली कोर्सेज में पढ़ाया जाता है, और वो जनरली तुम्हारे इस यूनिवर्सिटी के एग्जाम्स में भी देखा होगा, तुमने ऑब्जर्व किया होगा जिसने एमएल पढ़ी होगी, जो मैं बात बोलने जा रहा हूँ। जनरली तुमने नेव बेस्ड एल्गोरिथम का क्वेश्चन इस तरह का देखा होगा, बता रहा हूँ। एक टेबल बनी होगी और यहाँ पे एक कॉलम होगा, है ना, अधिकतर जगह वो टेनिस वाला क्वेश्चन आता है, टेनिस किसने खेला कि नहीं खेला, है ना, ये टेबल बनी होगी, इसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन होगी, और तुम्हें ये बताना होगा कि कोई नया डेटा पॉइंट आता है, न्यू डेटा पॉइंट, जिसके लिए तुम्हें इसकी इन तीन चीज़ों की इंफॉर्मेशन दे रखी होगी। जिन्हें नहीं पता कोई बात नहीं, देखो बस लास्ट में अपन रिजल्ट जो है वो कंक्लूड करेंगे, अपन इसे क्या लर्न कर रहे हैं वो कंक्लूड करेंगे अपन, उस पर ध्यान देना। तो जिसको पता है वो देखो, X1, X2, X3 से इनपुट फीचर होते हैं, आउटपुट फीचर होता है ना Y, तो वो क्या करेगा, जैसे अपना वो पूछेगा क्वेश्चन में ना, जैसे सेमेस्टर एग्जाम में क्वेश्चन या कहीं तुमने यूट्यूब वीडियो पे क्वेश्चन देखे होंगे कि X1, X2, X3 एक न्यू डेटा पॉइंट के लिए आएंगे, X1 कुछ आएगा, X2 कुछ आएगा और X3 कुछ आएगा, वो न्यू डेटा पॉइंट इसमें नहीं है, और तुम्हें पूछेंगे कि बताओ नेव बेस लगा के उसका वाई क्या होगा, बताओ, मान लो वाई तुम्हारा यस और नो वैल्यू ले रहा, तो बताओ यस होगा या नो होगा। 99% टाइम मैं गारंटी दे कह रहा हूँ, नेव बेस एल्गोरिदम में तुमने यही देखा होगा, इससे ज़्यादा नहीं पढ़ा होगा नेव बेस एल्गोरिदम, मैं बता रहा हूँ और ये रियलिटी है। अब ये जो प्रॉब्लम है ये तो अलग आ गई, ये तो नंबर ऑफ पैरामीटर्स पूछ रहे हैं यार, ये क्या बात होती है, ये नंबर ऑफ पैरामीटर्स अपन सोल्व नहीं करेंगे ना, बहुत लेंथी डेरिवेशन है इसका। ये नंबर ऑफ पैरामीटर्स तुम्हें पता होने के लिए, ये नंबर ऑफ पैरामीटर्स तुम्हें पता होने के लिए, नंबर ऑफ पैरामीटर्स तुम्हें पता होने के लिए तुम्हें प्रोबेबिलिटी का जॉइंट कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के बारे में पता होना चाहिए। जॉइंट कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के साथ साथ तुम्हें इनके कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, कंडीशनल इंडिपेंडेंस के बारे में पता होना चाहिए ना। एक दो चीजें होती हैं, एक इंडिपेंडेंस और एक होता है कंडीशनल इंडिपेंडेंस। जिन्होंने प्रोबेबिलिटी पढ़ा होगा उनको पता होगा, दो चीजें होती हैं, एक कंडीशनल इंडिपेंडेंस और एक होता है डिपेंडेंस। तो ये दो कॉन्सेप्ट के बारे में तुम्हें पता होना चाहिए, कंडीशनल इंडिपेंडेंस और जॉइंट कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। बट तुम बोलोगे कि यार मुझे जानने की क्या जरूरत है, मेरे जो टीचर हैं उन्होंने डायरेक्ट मुझे फॉर्मूला लिखाया था। किसका फॉर्मूला लिखाया था? नंबर ऑफ पैरामीटर का। बस क्या है, मुझे नंबर ऑफ पैरामीटर का डायरेक्ट फॉर्मूला लिखा दिया था सर ने, नंबर ऑफ पैरामीटर का डायरेक्ट फॉर्मूला लिखा दिया था, है ना, ऐसा भी होता है। उन्होंने कुछ पढ़ाया नहीं, बस नंबर ऑफ पैरामीटर का, टोटल नंबर ऑफ पैरामीटर का फॉर्मूला लिखा दिया, तो मेरा काम चल गया, प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, टोटल नंबर ऑफ पैरामीटर तो पूछ रहा है, ठीक है, ऐसा फॉर्मूला ध्यान रखने से तुम्हारा क्वेश्चन हो गया। बट यही क्वेश्चन पिक हो सकता है बहुत सारे क्वेश्चंस में, बहुत सारे क्वेश्चंस में, इसी तरह क्वेश्चंस नहीं, इसी क्वेश्चन को अगर वो चेंज कर दे मिनिमम नंबर ऑफ पैरामीटर्स में, तुम्हारा कोई फॉर्मूला काम नहीं करेगा। दुनिया भर के जितने फॉर्मूले बना लो, कोई फॉर्मूला नहीं बना सकते उसमें, वो हर स्पेसिफिक केस के लिए मिनिमम नंबर ऑफ पैरामीटर्स अलग होगा, और वही बंदा कर पाएगा जिसको, जिसने उसको बेसिक से पढ़ा होगा, कंडीशनल इंडिपेंडेंस, जॉइंट कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, ये सारे कॉन्सेप्ट मिला के वो जब कंक्लूड किया होगा उसने नेव बेस एल्गोरिदम पे, उसी को पता होगा कि मिनिमम नंबर ऑफ पैरामीटर्स कैसे निकालने हैं। और ऐसे क्वेश्चंस तुम देखोगे अपने प्रैक्टिस सेट्स के अंदर, वो क्वेश्चंस मैंने नहीं बनाए हैं कि मैंने बना रहा हूँ, नहीं, वो क्वेश्चंस अच्छे अच्छे IITs, स्टैनफोर्ड, MIT, CMU और बुक्स, ऐसे जो ये जो कॉलेज हैं, इन कॉलेज के असाइनमेंट्स में ऐसे क्वेश्चंस हैं, इनके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आ रखे हैं, बुक्स से ऐसे क्वेश्चन अपन बना सकते हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस जब IIT का पेपर बनेगा, IIT जब पेपर बनाएगा गेट का, ऐसे क्वेश्चंस भी डाल सकता है, तब तुम्हारे फॉर्मूला फेल हो जाएंगे, है कि नहीं। तो तुम्हें कोई टॉपिक है, जैसे नेव बेस एल्गोरिदम है, अपन पढ़ेंगे नेव बेस एल्गोरिदम, इसी में यूट्यूब पे पढ़ेंगे, उस नेव बेस एल्गोरिदम को लोग एक घंटे में वो एक एग्जाम्पल लगा के खत्म कर देते हैं, और एक मान लो नंबर ऑफ पैरामीटर क्वेश्चन आ गया तो उन्होंने एक फॉर्मूला बता देंगे, खत्म कर देंगे, यहाँ तक नहीं रुकेंगे, समझ रहे हो बात। पूरा प्रोबेबिलिटी का बेसिक्स, जो कंडीशनल इंडिपेंडेंट और जॉइंट कंडीशनल इंडिपेंडेंस प्रोबेबिलिटी, नेव बेस का अजम्पशन भी होता है, वो बहुत जगह गलत पढ़ा जाता है कि कंडीशनल नेव बेस के लिए जो फीचर्स होते हैं वो कंडीशनली इंडिपेंडेंट होने चाहिए, नॉट इंडिपेंडेंट, है ना, इंडिपेंडेंट और कंडीशनल इंडिपेंडेंट अलग अलग चीज़ होती है। ऐसा पॉसिबल है कि फीचर्स इंडिपेंडेंट हो सकते हैं बट कंडीशनल इंडिपेंडेंट ना हो,
वहाँ भी नेबेज एल्गोरिदम नहीं लगेगी। तो ऐसी ऐसी बेसिक चीज़ें जब तुम कहीं से भी पढ़ो तो तुम्हें पता होनी चाहिए, ठीक है, समझ रहे हो बात। ऐसी चीज़ों पे ध्यान देना है अपना, अगर तुम बुक से पढ़ रहे हो तो ऐसी चीज़ों में तुम्हारा फोकस रहना चाहिए कि हाँ ये बेसिक है, उसको स्किप नहीं करना है थोड़ी सी मैथमेटिक्स दिखते ही, ठीक है। तो मैथमेटिक्स ध्यान रखना है ना, मैथमेटिक्स को छोड़ना नहीं है। बट एक चीज़ है, कितना मैथमेटिक्स मुझे पढ़ना है वो इम्पोर्टेंट है, उसका ध्यान रखना है। उतनी डेप्थ का तुम्हें पता होना चाहिए, कितनी मैथ्स में डीप में जाना है ना। पूरी मैथ्स नहीं पढ़ सकते आप, है ना, वो तो मैंने बताया अभी कि मशीन लर्निंग एक बहुत वास्ट एरिया है ना, तो पूरा नहीं कर सकते अपने, वो गेट रेलिवेंट कैसे पढ़ सकते हैं अपन उसका डिस्कशन कर रहे हैं। तो इस क्वेश्चन से अपना क्या क्लियर हुआ कि अपनी जो अप्रोच है वो इस तरह की होनी चाहिए कि उसमें एल्गोरिदम के पीछे का मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन तुम्हारा क्लियर हो। क्या क्लियर होना चाहिए? एल्गोरिदम का जो मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन है ना, वो क्लियर होना चाहिए, ठीक है। एल्गोरिदम के पीछे का जो मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन है वो क्लियर होना चाहिए। चलो ज़्यादा मैं क्वेश्चन नहीं डिस्कस करूंगा। सिमिलरली एक ऐसा क्वेश्चन है, मैं ऊपर सेंस बता देता हूँ, ऐसा भी क्वेश्चन के लिए ये क्या है देखो बताऊँ, ये क्वेश्चन मैं बता देता हूँ ऊपर से, क्वेश्चन नहीं पढ़ते हैं अपन। ये क्वेश्चन लीनियरली डिस्क्रिमिनेंट एनालिसिस का क्वेश्चन है, और जब उस लीनियर डिस्क्रिमिनेंट एनालिसिस को तुम डिराइव करते हो उसके लिए तुम्हें कॉन्सेप्ट पता होता है कि विद इन क्लास मुझे वेरियंस मिनिमाइज करना है और बिटवीन द क्लास मुझे वेरियंस मैक्सिमाइज करना है। उन सारे कॉन्सेप्ट को जब मिला के तुम डिराइव करते हो, सारे कॉन्सेप्ट को यूज़ करके, तब इन्हीं में से एक रिलेशन आता है जो उस लीनियर डिस्क्रिमिनेंट एनालिसिस के लिए अपन यूज़ करते हैं। अब ऐसा पॉसिबल है कि जब तुम बुक से पढ़ रहे हो या कहीं से पढ़ रहे हो तो तुम डायरेक्ट वो रिलेशन याद कर लो, है ना, कि मान लो लास्ट ईयर तो ऐसा डायरेक्ट रिलेशन आया था, बट उस डेरिवेशन के अजम्पशंस में, उस डेरिवेशन में बहुत छोटे छोटे चेंजेस करे जा सकते हैं। ये जो फॉर्मूला है इसमें एक एक चीज़ क्या है उसमें भी चेंजेस करे जा सकते हैं और प्रॉब्लम को चेंज किया जा सकता है। वहाँ पे डायरेक्ट फॉर्मूला को ध्यान रखना सफिशिएंट नहीं है। जो लीनियर डिस्क्रिमिनेंट एनालिसिस है उसकी बेसिक थीम क्या है, डायमेंशनल रिडक्शन टेक्निक के लिए अपन क्यों विद इन क्लास को वेरियंस को मिनिमाइज कर रहे हैं, बिटवीन क्लास के वेरियंस को मैक्सिमाइज कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें डेप्थ में पता होनी चाहिए। तो एक चीज़ यहाँ से भी क्लियर होती है कि एल्गोरिदम के पीछे का मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन आप नहीं छोड़ सकते, वो आपको पता ही होना चाहिए। थ्योरेटिकल बातें पढ़ने से गेट के एग्जाम में क्वेश्चंस आप नहीं सोल्व कर पाओगे, है ना, इट्स क्लियर। तो मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन एग्जाम का जो एल्गोरिदम के पीछे का, वो तुम्हें ध्यान होना चाहिए, ठीक है। तो बुक में एक सर्टन डेप्थ तक उसका जो मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन और ज्योमेट्रिक इंट्यूशन तुम्हें आ जाए वहाँ पर रुक जाना है, वहाँ तक तुम्हें पढ़ना है, ठीक है। सिमिलरली एक ऐसा ही क्वेश्चन सिर्फ एप्टीट्यूड पे बेस्ड क्वेश्चन था, बहुत बड़ा क्वेश्चन लग रहा है, बहुत आसान क्वेश्चन था, सिर्फ एप्टीट्यूड पे बेस्ड, मैथमेटिकल एप्टीट्यूड, गेट का नाम है एप्टीट्यूड, सिर्फ एप्टीट्यूड पे बेस्ड क्वेश्चन था, ठीक है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन थे, जैसे एक ये क्वेश्चन है, देखो ये क्वेश्चन करने को बहुत आसान है और ये क्वेश्चन वैसा है। देखो ये क्वेश्चन कैसा है, तुम्हें जैसे किसी एल्गोरिथम का प्रॉपर तरीका दे देना, तुम्हें दिमाग नहीं लगाना, सिर्फ तुम्हें प्रॉपर तरीके का क्वेश्चन दे दो कि यार ये स्टेप है ये लगा दो और तुम्हारा आंसर आ जाएगा, ये क्वेश्चन वैसा ही है। तो वो तरीका भी तुम्हें पता होना चाहिए, बट बात यह है ऐसे तरीके तुम्हें पता होना चाहिए, स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीके पता होने चाहिए जिसमें एक प्रॉपर सेट ऑफ रूल हो, किसी एल्गोरिदम में लगाओ, सिर्फ इसका सिंपल फॉर्मूला होता है इन्फॉर्मेशन गेन का, वो लगाना आना चाहिए, सिंपल लगाओ सोल्व करो आंसर। तो इस तरह के क्वेश्चन भी आते हैं, समझ रहे हो बात, इस तरह के क्वेश्चन से इन्फॉर्मेशन गेन निकालना, ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं। बट ऐसे ही क्वेश्चन में जब जैसे अपन ने देखा सिलेबस अपना, देखो ऐसे ही क्वेश्चन में जो किसके हैं, डिसीजन ट्री के क्वेश्चन हैं, ऐसे डिसीजन ट्री के क्वेश्चंस को लीव वन आउट क्रॉस वैलिडेशन, ये ऐसी चीज़ों से मिक्स करके क्वेश्चंस अच्छे ट्विक मैथमेटिकल एप्टीट्यूड वाले क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं। और गेट इज ऑल अबाउट मैथमेटिकल एप्टीट्यूड, मशीन लर्निंग मैथमेटिक्स है और एप्टीट्यूड गेट को लगाना है इसमें, तो मैथमेटिकल एप्टीट्यूड के क्वेश्चन ही आने वाले हैं आने वाले सालों में, ये समझ लो बात, ठीक है। तो ऐसे अच्छे क्वेश्चन फॉर्मुलेट हो सकते हैं, वो क्वेश्चन हर एल्गोरिदम हर कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी के बिना नहीं होंगे, उनके मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन आपको पता ही होने चाहिए, उनके बेसिक कॉन्सेप्ट आपके क्लियर ही होने चाहिए, ठीक है। तो मैं आप कंक्लूड करते हैं अपन, तो ये मैंने आपको एक तरीका बताया कि जब भी आपको मशीन लर्निंग कहीं से भी पढ़नी है, मैं नहीं कह रहा हूँ कि यू शुड वॉच दिस कोर्स ओनली, है ना, ये कोर्स ही तुम्हें देखना है, ऐसा मैं कभी कभी कह ही नहीं रहा हूँ। बट जो तुम्हारी अप्रोच मशीन लर्निंग को पढ़ते टाइम होनी चाहिए, उस अप्रोच के अंदर एल्गोरिदम्स के मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन को नहीं छोड़ना है।
थ्योरेटिकल कोर्स कहीं से भी नहीं करना है। अगर कोई तुम्हें थ्योरेटिकल कोर्स पढ़ा रहा है, ऐसा कोर्स बिल्कुल नहीं करना है। वैसे कोर्स बहुत छोटी छोटी कंपनियों के प्लेसमेंट के एमसीक्यू, थ्योरेटिकल एमसीक्यू सोल्व करने में पढ़ाए जाते हैं। ऐसे कोर्स गलती से भी ज्वाइन मत कर लेना, वो गेट के एग्जाम के लिए तुम्हें बिल्कुल भी बेनिफिट नहीं करेंगे। क्लियर है क्या बात? ठीक है। और मैं एक चीज़ और बता दूँ, बहुत सारी जगह प्रैक्टिस सेट के अंदर बहुत ज़्यादा थ्योरेटिकल और जनरल जनरल टाइप है ना, जनरल टाइप एल्गोरिथम क्वेश्चन की, जनरली ये किस एल्गोरिथम में होता है, जनरली ऐसे जनरल टाइप क्वेश्चन आर नेवर गोइंग टू बी आस्क्ड इन गेट। ऐसे क्वेश्चन कभी गेट में नहीं आएंगे, कभी भी नहीं आएंगे। गेट के क्वेश्चन में एप्टीट्यूड आएगा। ऐसा हो सकता है लास्ट ईयर कि तुम्हें एक दो क्वेश्चन थ्योरेटिकल दिखें और ये जो मैथमेटिकल एप्टीट्यूड वाले क्वेश्चन हो तुम्हें आसान लगे पहली बार में, क्योंकि पहली बार गेट था ना, पहली बार गेट था तो उन्होंने ज़्यादा ट्विक नहीं करी प्रॉब्लम। तो आने वाले सालों में ये मैथमेटिकल कॉम्प्लेक्सिटी थोड़ी सी ट्विस्ट हो सकती है, तो उसके लिए जो एल्गोरिदम्स हैं उनका मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन तुम्हें पता होना चाहिए और एक ज्योमेट्रिक इंट्यूशन आना चाहिए। जैसे अपन ने के मीन्स क्लस्टरिंग वाला सर्किल वाला क्वेश्चन देगा, उसमें तुम्हारा ज्योमेट्रिक इंट्यूशन एल्गोरिदम का बनना चाहिए, है ना। सिर्फ सिर्फ एल्गोरिदम मैथमेटिकल पढ़ने से काम नहीं चलेगा, उसका एक ज्योमेट्रिक मीनिंग क्या है वो क्लियर होना चाहिए। बस ये तीन चीज़ें हो गई, तुम्हारा काम हो गया। मतलब एल्गोरिदम का तुम्हारा बेसिक कॉन्सेप्ट है ना वो क्लियर होना चाहिए। बेसिक कॉन्सेप्ट मतलब एल्गोरिदम काम कैसे कर रही है, क्या एल्गोरिदम है, क्यों लाई गई, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, है ना। बेसिक कॉन्सेप्ट का मतलब ये होता है। बेसिक के बाद में थोड़ा सा तुम्हें इसका डेप्थ में क्या पता होना चाहिए, मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन। उस एल्गोरिथम का तुम्हें मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन पता होना चाहिए। जैसे अपने लीनियर डिस्क्रिमिनेंट एनालिसिस वाला क्वेश्चन देखा जो डेरिवेशन वाला था, ठीक है, ऐसे जो अपन ने क्वेश्चन देखे, और एक या इसमें मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन में अपने नेव बेस वाला पैरामीटर वाला क्वेश्चन देगा, ठीक है, उसमें ट्विक हो सकते हैं, तो उसके लिए मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन तुम्हें पता होना चाहिए। एक चीज क्या है जो मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन के साथ साथ तुम्हें उसका ज्योमेट्रिक इंट्यूशन आना चाहिए। एल्गोरिदम का एक ज्योमेट्रिक इंट्यूशन पता होना चाहिए कि जैसे क्लस्टर कैसे बन रहे हैं, के मीन्स क्लस्टर में क्लस्टर कैसे बन रहा है। तो जैसे देखो क्वेश्चन था स्फेरिकल, अगर अपने को शेप पता थी कैसे स्फेरिकल शेप बन रही है, टू डी में वो सर्किल हो जाएगी, तो ऐसी चीज़ों पे भी जैसे क्लस्टरिंग का क्वेश्चन आया था ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो हर एल्गोरिदम का तुम्हें बेसिक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, एक डेप्थ तक मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन उनके पता होना जरूरी है, ये ध्यान रख लो, और एक उस एल्गोरिदम का ज्योमेट्रिक इंट्यूशन की ज्योमेट्री में तुम्हें विजुलाइज होना चाहिए कि एल्गोरिदम काम कैसे कर रही है, ठीक है। हर जो मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन है ना उसका ज्योमेट्रिक इंट्यूशन तुम्हें पता होना चाहिए, ठीक है। ये तुम्हें पता होना चाहिए कहीं से भी तुम मशीन लर्निंग गेट एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, तब उसके लिए चीज़ें होना चाहिए। हाँ, तुम कोई छोटी मोटी कंपनी अपने कैंपस प्लेसमेंट के लिए, छोटी मोटी बता रहा हूँ मैं, स्टार्टअप, छोटे स्टार्टअप्स जो कैंपस प्लेसमेंट के लिए तुम टारगेट कर रहे हो, वो सिंपली ये पूछते हैं क्या होता है क्लासिफिकेशन, क्या होता है रिग्रेशन, बेसिक डेफिनेशन, उसके लिए तुम वो प्लेसमेंट वाले बैच ज्वाइन कर सकते हो, वो भी स्मॉल कंपनीज के लिए ना, बड़ी कंपनी उससे क्रैक नहीं होती, वो मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन एल्गोरिदम्स के अंदर डीप डाइव करती है इंटरव्यू में, ठीक है। किसी भी अच्छी अच्छी कंपनी, गूगल, मेटा, सब कंपनीज का तुम देख सकते हो, ठीक है, जो उनके मशीन लर्निंग राउंड होते हैं उन्हें मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन में, मैथमेटिकल फाउंडेशन में एल्गोरिदम्स के में डीप डाइव होता है, ठीक है। आई थिंक आई मेड माई पॉइंट क्लियर। तो अब अपन थोड़ा सा और बात कर लेते हैं, वो है सिलेबस की जो मैं पढ़ाने जाऊंगा ना। अब मैं बात कर लेता हूँ जो अपन इस कोर्स के अंदर पढ़ेंगे जो यूट्यूब पे होगा या जो अपन प्लस के अंदर कोर्स में कर रहे हैं। अब अपनी बात है, जो जिन्हें कोर्स खुद से करना है या कहीं और से करना है तो उन्हें उन चीज़ों का ध्यान रखना है। अब अपने पे आते हैं, ठीक है। तो जो मशीन लर्निंग का कोर्स अपन पढ़ेंगे YouTube पे वो लगभग 60 टू 70 आवर्स का होगा ना, 60 टू 70 आवर्स कोर्स होने वाला है अपना, अराउंड रिकॉर्डेड कोर्स है ना, रिकॉर्डेड कोर्स। कुछ प्रैक्टिस सेशंस होंगे, प्रैक्टिस सेशंस वो मैं लाइव करूँगा, ठीक है, वो अपन लाइव करेंगे। वो लाइव या तो अपन अनअकैडमी की स्पेशल क्लास में कर सकते हैं या अपन YouTube पे करेंगे, वो लाइव करेंगे, साथ में अपन सोल्व करेंगे प्रैक्टिस सेट्स जो अपन मैं आपको प्रोवाइड करूँगा, ठीक है। तो हाँ, जो कोर्स है वो 70 लगभग 60 टू 70 आवर्स है ना, 60 टू 70 आवर्स, 60 आवर्स का मान सकते हो आप, 60 टू 65 आवर्स होगा इसका, 60 टू 70 आवर्स कह सकता हूँ, क्योंकि जो लाइव कोर्स है वो अराउंड 90 आवर्स हो रहा है, तो रिकॉर्डेड कोर्स है वो 60 टू 70 आवर्स का होगा, ठीक है। जो लाइव कोर्स है वो अराउंड 90 आवर्स के जा रहा है, 85 आवर्स, तो तुम मान सकते हो कि रिकॉर्डेड कोर्स 60 टू 70 आवर्स का आएगा।
इन एल्गोरिदम्स में बता देता हूँ कि ये सब्जेक्ट अपन कैसे पढ़ेंगे, एक बार बता देता हूँ ना, सॉर्ट के अंदर अपन बता देता हूँ, फिर बाकी बाद में करेंगे डिस्कस। सुपरवाइज्ड लर्निंग में अपन शुरुआत करेंगे सिंपल लीनियर रिग्रेशन, मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन, रिज रिग्रेशन तक, है ना, और इन्हीं के अंदर 8 क्लासेस लगेंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ से तुम्हारा जो मैथमेटिकल फाउंडेशन है ना, थोड़ा थोड़ा एल्गोरिदम्स का वो क्लियर होने वाला है। एक चीज़ मैं क्लियर कर दूँ, जो अपना कोर्स है थोड़ा मैथमेटिकल साइड होगा, बट यू नीड नॉट टू वरी फॉर दैट, है ना, उसके लिए कुछ टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? बिकॉज ये एब्सोल्यूट बिगिनर के लिए कोर्स है। यहाँ मैं लिख देता हूँ एब्सोल्यूट बिगिनर, एब्सोल्यूट बिगिनर मतलब कोई प्री रिक्विजिट नहीं है, बिगिनर के। आई थिंक स्प्लिंग मैंने गलत लिख दिया, WNER, एब्सोल्यूट बिगिनर के लिए कोर्स है। इसका मतलब कोई प्रीरिक्विजिट नहीं है, जो भी मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट होगा जो अपने को रिक्वायर्ड होगा, प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स है ना, मोस्टली प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स अपने को रिक्वायर्ड होगी, वो प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स अपन क्या करेंगे, बिफोर हैंड अपन पढ़ लेंगे ना, जो लेक्चर जब अपने को रिक्वायर्ड है, मान लो किसी टॉपिक में, जैसे नए बेस के लिए मैंने फॉर एग्जांपल बताया कि वहाँ पे एक जॉइंट प्रोबेबिलिटी और इसका कॉन्सेप्ट बहुत अपने को चाहिए, वहाँ पे प्रॉब्लम ट्विक हो सकती है, तो ऐसी जगह पे अपन अच्छे से प्रोबेबिलिटी का कॉन्सेप्ट 1 या 2 क्लास लेके जितना रिक्वायर्ड होगा, जितना अपने लिए रिक्वायर्ड है उतना पढ़ेंगे, ठीक है। तो एकदम बेसिक, एक मतलब मैं कह सकता हूँ कि कोई प्रीरिक्विजिट नहीं है ना। और गेट के लिए कोर्स है, और जो जिनको अच्छी एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है, जिनको स्मॉल स्टार्टअप्स वगैरह की प्रिपरेशन करनी है, या एक बार कॉलेज से छोटा मोटा पैकेज लेना है 4, 5, 6, 7 लाख का, उनके लिए कोर्स नहीं है, ठीक है। उनके लिए क्यों? क्योंकि इतने मैथमेटिक्स में दिमाग लगाने की जरूरत उनको नहीं है, उनके लिए सिंपल कम टाइम का कोर्स मिल जाएगा उनको यूट्यूब के ऊपर, और देख लेंगे तो वहाँ से थ्योरेटिकल क्वेश्चन उनके कवर हो जाएंगे और वहाँ से उनका कोर्स हो जाएगा, ठीक है। तो अब अपन इस पे आते हैं। तो ये देखो, सिंपल लीनियर रिग्रेशन, मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन, रिज रिग्रेशन, यहाँ तक अपनी 8 क्लासेज हैं, ठीक है। जो अपनी नेव बेस है ना, नेव बेस लगभग अपनी 4 क्लास में, 3 या 4 क्लास में कवर होगा। इसके अंदर उसका 4 क्लास में प्रोबेबिलिटी वाले अपन अच्छे क्वेश्चंस भी करेंगे, नॉट ओनली थ्योरी, मैथ्स की थ्योरी नहीं करेंगे, उसके अच्छे क्वेश्चंस करेंगे जो एग्जाम में आ सकते हैं, ठीक है। लॉजिस्टिक रिग्रेशन की लगभग 4 या 5 क्लास होंगी, लगभग। ऐसा ही सपोर्ट वेक्टर मशीन है, सपोर्ट वेक्टर मशीन सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और 99% ऑफ द टाइम लोगों को समझ नहीं आता है, बहुत टफ टॉपिक है समझने के लिए, बट वो टॉपिक अपन आसानी से पढ़ लेंगे 4 या 5 क्लास के अंदर, और सारे बहुत सारे क्वेश्चंस के साथ। मतलब ऐसा है कि सिर्फ सपोर्ट वेक्टर मशीन के अपन 30-40 क्वेश्चंस क्लास में कर देंगे, अच्छे क्वेश्चंस, थ्योरेटिकल क्वेश्चंस नहीं, अच्छे मैथमेटिकल एप्टीट्यूड वाले क्वेश्चंस सपोर्ट वेक्टर मशीन के क्लास में कर देंगे, ठीक है। अराउंड 5 क्लास होगा, 1-2 क्लास, 1-2 क्लास ज़्यादा जा सकता है, प्लस माइनस, बाकी लगभग यही है। बाकी सब ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं, क्रॉस वैलिडेशन मेथड, लीव वन आउट क्रॉस वैलिडेशन ना, इस पे भी अच्छे मैथमेटिकल एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस बन सकते हैं इन एल्गोरिदम को मिक्स करके। जैसे मैंने जब प्रैक्टिस सेट दिए हैं तो उनमें डिसीजन ट्री और लीव वन आउट क्रॉस वैलिडेशन के कॉन्सेप्ट को मिक्स किया है, ठीक है। तो यहाँ अच्छे मैथमेटिकल एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस बन सकते हैं। एक ऐसा ही टॉपिक है बायस वेरियंस ट्रेड ऑफ, है ना, इस पे भी, इस पे थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आ सकते हैं, ये थोड़ा थ्योरेटिकल टाइप क्वेश्चन है। जब तुम अगर किसी बुक से पढ़ रहे हो तो थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट में ध्यान देना, ठीक है, बायस वेरिएंस ट्रेड ऑफ से। क्योंकि देखो ऐसा है, बायस जो है ना एक स्टेटिस्टिक्स का कॉन्सेप्ट है, जिसको दिक्कत आ रही है बायस वेरिएंस पढ़ने में बता रहा हूँ, बायस वेरिएंस एक स्टेटिस्टिक्स का कॉन्सेप्ट है। तो एक बोला जाता है कि जो बायस होता है ना, इट इज़ ईजी टू लर्न, है ना, समझने में बहुत आसान है, बट वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। समझ रहे हो बातों में फ़र्क? सीखने के लिए आसान है बट समझने मुश्किल है, इस बात का मतलब ये है। बट जो अपने मशीन लर्निंग के लिए जितना रिक्वायर्ड होगा बायस, अपन उतनी अंडरस्टैंडिंग उससे लेंगे, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट है बायस वेरियंस ट्रेड ऑफ। उसके बाद ये क्रॉस वैलिडेशन मेथड मैंने बता दिए, लीव वन आउट क्रॉस वैलिडेशन और एल्गोरिदम्स हैं, सपोर्ट वेक्टर मशीन और लीव वन आउट क्रॉस वैलिडेशन के भी अच्छे मिक्स होकर मैथमेटिकल एप्टीट्यूड के क्वेश्चन बन सकते हैं जो गेट में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो वो चीज़ तुम्हें ध्यान रखनी है अगर तुम खुद से पढ़ रहे हो तो। बाकी मैंने प्रैक्टिस सेट में ऐसे क्वेश्चन प्रोवाइड करें जो अपन करेंगे कोर्स के अंदर। और बाकी ये न्यूरल नेटवर्क का पार्ट है, मल्टी लेयर परसेप्ट्रॉन फीड फॉरवर्ड न्यूरल नेटवर्क। इसमें 5 क्लास लगभग हो जाएंगी सिर्फ न्यूरल नेटवर्क के अंदर, क्योंकि इसमें अपन सारी चीज़ें देखेंगे। इसमें जो क्वेश्चंस हैं बैक प्रोपोगेशन के भी आ सकते हैं, पार्शियल डेरिवेटिव के क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। और इस बार मुझे लग रहा है कि मोस्ट प्रोबली बैक प्रोपोगेशन का क्वेश्चन आएगा दिस ईयर, ठीक है, क्योंकि एक बेसिक क्वेश्चन आ चुका है। अब मोस्टली अगर मैथमेटिकल एप्टीट्यूड लगना होगा तो बैक प्रोपोगेशन का क्वेश्चन भी आसानी से पूछा जा सकता है इन कमिंग ईयर्स ना, बहुत ज़्यादा चांस है उसके।
तो ये थोड़ा सा मैथमेटिकल टॉपिक है ना, बट ज़्यादा कुछ नहीं है, सिंपल पार्शियल डेरिवेटिव्स के कॉन्सेप्ट हैं। अनसुपरवाइज्ड लर्निंग क्लस्टरिंग एल्गोरिदम्स, ये अपन ने जैसे उसका क्वेश्चन देखा तो ये इसका टॉपिक है, बट अनसुपरवाइज्ड लर्निंग में ज़्यादा कुछ नहीं है, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है, ठीक है, बहुत ज़्यादा वेटेज नहीं है उसका, क्योंकि मोस्टली जो टॉपिक्स हैं वो सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग के, ठीक है। और ये डायमेंशनल डिडक्शन टेक्निक्स, इसमें पीसी आता है जो कि एक अनसुपरवाइज्ड, वो भी अपन पढ़ेंगे। तो अराउंड 60 to 70 आवर्स होगा, कौन कौन से टॉपिक को कैसे पढ़ना है मैंने बता दिया, किस तरह के क्वेश्चंस बन सकते हैं वो मैंने बता दिया, कैसे क्वेश्चंस में मैथमेटिकल एप्टीट्यूड की रिक्वायरमेंट होगी और ऐसे क्वेश्चंस गेट के लिए मोस्ट प्रोबेबल हो जाते हैं वो भी मैंने बता दिया है, ठीक है। या एक बार मैं और रिपीट कर देता हूँ, जो सिंपल लीनियर रिग्रेशन मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन में है वहाँ पे वेट अपडेट से रिलेटेड क्वेश्चंस आ सकते हैं, ग्रेडियंट डिसेंट के कॉन्सेप्ट में बेसिक कॉन्सेप्ट से क्वेश्चंस आ सकते हैं। एक बार मैं बताता हूँ फिर से, जो लॉजिस्टिक रिग्रेशन में, उनका मैंने बताया नहीं, लॉजिस्टिक रिग्रेशन में भी क्वेश्चंस ऐसे बन सकते हैं, थोड़ा कॉम्प्लेक्स डिसीजन बाउंड्री को लेकर क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, डिसीजन बाउंड्री की शेप पूछ सकते हैं, क्योंकि डिसीजन बाउंड्री की बात होती है सिर्फ क्लासिफिकेशन एल्गोरिदम में, तो वहाँ ऐसी शेप के बारे में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। लाइकलीहुड से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकते हैं, फिर उसके बाद के नियरेस्ट नेबर, ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, 2 क्लास का टॉपिक है ना, 2 क्लास में हो जाएगा। नेव बेस हो गया, नेव बेस के बारे में मैंने बता दिया, उनके लिए तुम्हें ये ध्यान रखना है ना, जॉइंट कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, कंडीशनल इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस, ऐसी चीज़ों के बीच में डिफरेंस तुम्हें पता होना चाहिए, कैसे काम करते हैं, कैसे मैथमेटिकल फॉर्मूला प्रोबेबिलिटी के टर्म्स में अपन लिख सकते हैं, ऐसी चीज़ें पता होनी चाहिए, तो वो अपन करेंगे, ठीक है। क्रॉस वैलिडेशन मेथड और लीव वन आउट जो है ना, ये चीज़ें समझने में बड़ी बेसिक है, बट इनको एक एल्गोरिदम के साथ मिक्स करके अच्छे अच्छे मैथमेटिकल एप्टीट्यूड क्वेश्चन बना सकते हैं, तो उनमें सपोर्ट वेक्टर मशीन और डिसीजन ट्री के साथ मिक्स कर सकते हैं सिंपली ऐसे ही। फिर अनसुपरवाइज एल्गोरिदम है, क्लस्टरिंग वगैरह, तो उसका अपन ने प्रॉब्लम देखी थी, वैसे क्वेश्चन आने के चांस हैं, और मैथमेटिकल एप्टीट्यूड उनमें जोड़ा जा सकता है, शेप से रिलेटेड मेथड के क्वेश्चंस आ सकते हैं, या हायरार्किकल क्लस्टरिंग के डायरेक्ट क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, एक डिफरेंट सेट ऑफ रूल्स हो और उस रूल के हिसाब से तुम्हें एक जो क्लस्टरिंग का कौन सा जो डेटा पॉइंट है कौन से क्लस्टर में आएगा, इस तरह का ड्रॉ करने का भी आ सकता है, जैसा लास्ट ईयर आया था एक, ठीक है। और ये डायमेंशनल डिडक्शन की टेक्निक है, प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस, और अगर तुम पढ़ो खुद से तो लीनियर डिस्क्रिमिनेंट एनालिसिस, इनका मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन अच्छे से देख लेना, इनमें कोवेरियंस का कॉन्सेप्ट अच्छे से देख लेना, आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर का फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, आइगन वैल्यू की जो डायरेक्शन है मैक्सिमम आइगन वैल्यू की, वही मैक्सिमम वेरिएंस की डायरेक्शन क्यों है, उसके क्रॉस्पॉन्डिंग जो आइगन वैल्यू होती है ना, मैक्सिमम आइगन वैल्यू उसके क्रॉस्पॉन्डिंग जो आइगन वेक्टर आता है वही मैक्सिमम डायरेक्शन मैक्सिमम वेरियंस होता है उस डायरेक्शन के अंदर, और वहाँ अपन उसको प्रोजेक्ट करते हैं। तो ये चीज़ें बेसिक बेसिक चीज़ें हैं, उनको अच्छे से समझ लेना, मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन एल्गोरिदम का समझ लेना, इतना ही डीप डाइव करना है, ठीक है। ओके, तो अब अपन क्लास ख़त्म करते हैं, मैंने बता दिया है मोस्ट ऑफ द चीज़ें कि अपन कैसे अप्रोच करेंगे, और आप भी अगर खुद से पढ़ रहे हो या कहीं से पढ़ रहे हो तो उन्हें आपको सब्जेक्ट को कैसे अप्रोच करना चाहिए गेट के लिए, ठीक है। प्रैक्टिस सेट्स जो अपन कोर्स करेंगे, कोर्स के बारे में मैं बता दूं और, है ना, वैसे तो अपन देख चुके हैं, ये जो कोर्स अपन करेंगे वो 60 to 70 आवर्स यूट्यूब पे होगा, क्योंकि रिकॉर्डेड है ना, लाइव प्लस पे अराउंड 90 आवर्स होता है, क्योंकि लाइव अपन डिस्कस भी करते हैं प्रॉब्लम्स, लाइव आपके डाउट भी लेते हैं, तो उसे 90 आवर्स ज़्यादा, तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि अराउंड 60 आवर्स हो जाएगा, ठीक है। और इसमें आपको क्या मिलेंगे, प्रैक्टिस सेट्स मिलेंगे ना, नोट्स, एक तो हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे, अच्छे हैंड रिटन नोट्स, ठीक है, आप बनाओ तो और भी अच्छी बात है, ठीक है, अच्छे हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे और अच्छे प्रैक्टिस सेट मिलेंगे, रेलेवेंट प्रैक्टिस सेट मिलेंगे जो गेट प्रिपरेशन के लिए एक्चुअल में होने चाहिए। मोस्ट ऑफ द प्लेस जहाँ पे अधिकतर जो जगह है ना, अधिकतर जगह प्रैक्टिस सेट्स रेलेवेंट नहीं है, प्लेसमेंट के क्वेश्चन हैं एमसीक्यू वाले जो कंपनियाँ पूछती हैं प्लेसमेंट में, जब कॉलेजेस में आती हैं तो वो ही क्वेश्चंस क्वेश्चन सेट में डाल रखे हैं, ऐसे क्वेश्चंस इररिलेवेंट है, मैं अभी बोल रहा हूँ, ऐसे क्वेश्चंस गेट की प्रिपरेशन के लिए बिल्कुल ही इररिलेवेंट है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने में अपना टाइम वेस्ट ना करें, अगर तुम्हें देखना है एक्चुअल में प्रैक्टिस सेट कैसे होना चाहिए, कैसे क्वेश्चन होने चाहिए, तो एक बार तुम मेरा प्रैक्टिस सेट देख सकते हो, ठीक है, जो अपन इसमें डिस्कस करेंगे अपन चैनल में, मैं जैसे जैसे अपने को क्लासेज होंगी मैं प्रैक्टिस सेट अपलोड करूँगा, ठीक है। चैनल का लिंक ये है, मनोज गेट DSAI, ठीक है,
और तुम्हें डेटा साइंस से रिलेटेड और फ्री कंटेंट चाहिए, डेटा साइंस, एआई, प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स, डेटा साइंस की कंपनीज में प्लेसमेंट से रिलेटेड, एसक्यूएल जैसे सब्जेक्ट्स अपन पढ़ेंगे, उनसे भी फ्री कंटेंट आपको मेरी प्रोफाइल में मिलेगा, ठीक है? तो ये जो प्रोफाइल है तुम फॉलो कर सकते हो। इस कोर्स में जो अपन कोर्स करने जा रहे हैं, जो कंटेंट है उसमें कहीं भी कैसा भी डाउट आए उस कंटेंट के अंदर, तो इस व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझे मैसेज कर सकते हो। बट मैसेज तभी करना है, या यस ये बात पक्की है कि आई विल डेफिनेटली रिस्पॉन्ड, है ना, पक्का मैं रिस्पॉन्ड करूँगा। बट मैसेज तभी करने की ट्राई करना जब ये जो चैनल है इसके बायो में एक लिंक है, ग्रुप का लिंक है, तो उस ग्रुप को ज्वाइन करना। वहाँ पे एक ऑलरेडी कम्युनिटी है अराउंड 600 मेंबर्स की, वहाँ डिस्कस करना। वहाँ अगर तुम्हारा डाउट रिजोल्व नहीं होता है आई विल डेफिनेटली हेल्प, ठीक है? वैसे तो डाउट आने के एकदम बेसिक से पढ़ेंगे तो डाउट आने की पॉसिबिलिटी कम है, बट फिर भी डाउट एक ऐसी चीज़ आ सकता है ना, सबका सोचने का तरीका अलग अलग होता है, तो डाउट आ सकता है। तो उसके लिए आई एम ऑलरेडी ओपन, और मैं हमेशा ओपन हूँ उसके लिए ना, डाउट लेने के लिए हमेशा ओपन हूँ, डाउट आपका हमेशा क्लियर होगा। ठीक, अपन लेक्चर 1 अपना स्टार्ट करेंगे मशीन लर्निंग के लिए, लेक्चर 1 नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे, ठीक है? तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। जो बुक्स वगैरह हैं और जो टेक्स्ट बुक्स हैं, हाँ एक चीज़ मैं बताता हूँ, जो टेक्स्ट बुक्स हैं जो मैंने इस कोर्स को डिज़ाइन करने में यूज़ करी हैं, और अगर तुम्हें भी कोई कॉन्सेप्ट पढ़ना हो डेप्थ के अंदर, खुद से पढ़ना हो, है ना, कोर्स नहीं ज्वाइन करना हो, खुद से पढ़ना हो, तो मैं ऐसी टेक्स्ट बुक अपन नेक्स्ट क्लास में रिवील करेंगे। टेक्स्ट बुक, उसके साथ मैं कोर्सेज भी आपको बताऊंगा, अच्छे कोर्सेज जो यूट्यूब पे ही अवेलेबल है, जिनकी हेल्प से तुम भी प्रिपरेशन कर सकते हो, ऐसी टेक्स्ट बुक और कोर्सेज अपन नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, है ना, ये नेक्स्ट क्लास में जो अपनी फर्स्ट क्लास होगी, है ना। ठीक है, तो आई थिंक मैंने सभी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन बता दी है, अपन मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है? थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।